फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया। नेहरू युवा केंद्र फतेहगढ़ साहिब द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया कार्यक्रम में क्लब के सदस्यों, छात्रों, राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवकों ने भाग लिया। फिट इंडिया फ्रीडम रन शुरू करने से पहले सभी प्रतिभागियों ने अपने शरीर को फिट रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करने की शपथ ली और राष्ट्रगान भी गाया। इसके बाद करमजीत कौर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेंसिंग गोल्ड मेडलिस्ट महाराजा रणजीत सिंह अवार्डी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची और हरी झंडी दिखाकर फिट इंडिया रन की शुरुआत की। यह फिट इंडिया रन जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्वविद्यालय से शुरू हुआ और डीसी ऑफिस रोड से ज्योति स्वरूप की ओर मुड़कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्वविद्यालय में समाप्त हुआ। अंत में जिला युवा अधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कि हमें प्रतिदिन कुछ समय व्यायाम के लिए निकालना चाहिए ताकि हम अपने शरीर को फिट रख सकें, और फिट इंडिया रन में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर गोविंदर सिंह सोही, जतेंद्र कुमार, जीवन रेखा राव, मनदीप सिंह, लखदीप सिंह, लवदीप सिंह, रविंदर सिंह, गुरप्रीत कौर आदि उपस्थित थे। क्या नाम है तुम्हारा? सरोज। कितों आयो जी? राजस्थान से। राजस्थान से हैं आप? तो यहाँ जो आज फतेहगढ़ साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में आप खड़े हैं और जो प्रोग्राम हुआ है, ये क्या प्रोग्राम था और इससे क्या समझा आपने? सर, ये था कि हेल्थ, अपने हेल्थ के लिए, कि हमेशा है ना, कोई भी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, तो उसको है ना अपने शरीर के लिए है ना टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक एक ये एक फिजिकली ऐसा है जो हम फिटनेस रह सकते हैं इससे। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम पवनजोत कौर है। मैम, आज जो दौड़ थी इसका स्लोगन क्या है? आज की दौड़ का फिट इंडिया रन फ्रीडम है जो हमारा, इसका ये स्लोगन है कि हमें रोज हमें ऐसे एक्सरसाइज करनी चाहिए फिट होने के लिए, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है बहुत बिजी है, अपने मशीन्स पे काम करता है, अपने आप के बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अगर हम फिट रहेंगे तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी सर्कुलेशन है, वो बहुत अच्छी चलेगी। इसका मेन स्लोगन ये है कि चाहे स्पोर्ट्स वाले हैं, कोई भी हैं, कोई भी एज के हैं, कोई भी बिजनेस के हैं, कोई भी पार्टी के हैं, उनको फिट जरूर रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अ ह्यूमन। सबसे पहले आपका नाम? सिमरनजीत कौर। आप स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी में? स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं, जो आज ये दौड़ करवाई गई है, ये किसकी तरफ से करवाई गई है? NYS। NYKS। NYKS। तो फुल फॉर्म क्या है NYKS का? नेहरू युवा केंद्र। So, आज की दौड़ में आपने भाग लिया? Yes, sir. तो कैसा महसूस कर रहा है, कैसा फीलिंग है? सर, सवेरे सवेरे बहुत एनर्जेटिक महसूस हो रहा है, मतलब एक बार आप जब रनिंग कर लिए तो मतलब शरीर एकदम खुल जाता है, फ्रीली आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब टाइट नहीं रहता बिल्कुल। यानी पूरे दिन के लिए आपको एनर्जी मिल जाती है? हाँ, मतलब पूरे दिन लिए आपको एनर्जी मिल जाती है। हाँ जी, आज का जो स्लोगन हैगा वो की हैगा? सर, ऐसे का फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, मतलब कि सानू अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट लाइफ चो सिर्फ आधा घंटा भी आपां कढ़ी अपनी लाइफ चो ते आपां मतलब साडी जिहड़ी एनर्जी है वो एक तो एनर्जी आ जाती है, उत्ते आपां फिजिकली फिट रहने आ। आकाशदीप सिंह, मैं फिजिकल डिपार्टमेंट BPS दा विद्यार्थी स्टूडेंट हाँ। सर, जिहड़ा अज दा दिन सीगा अपना, जे मतलब आपां नूं नशे तों दूर रखण लई स्पैशल तौर ते रखा गया, क्योंकि अपने पंजाब दे जिहड़े नौजवान ने जी वो नशे जा रहे ने अज्जकल बहुत, मतलब अपना जिहड़ा कह दूं अपना जिहड़ा हमारे बहुत से मेडल्स लेके आए हमारे इंडियंस, तो इस तरह आप क्या समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, बचपन से या कैसे? मैं तो यही कहूँगा कि मतलब कि बंदा आधा घंटा या घंटा जितना भी आपको वक्त मिले आपको निकालना चाहिए फिटनेस में, मतलब अगर आपकी फिट होंगे तभी सोशली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी आप फिट होंगे तभी जाके मतलब के ओलंपिक खेल सकते हो, वरना बहुत मुश्किल है आपको ओलंपिक खेलने में। तो हम तो यहाँ पर डेली मतलब के फिटनेस के रिलेटेड ही करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं हम डेली करते हैं यहाँ पर। कितने किलोमीटर का रन करवाया गया आपसे? आज हमें 2 किलोमीटर का रन कराया, वैसे बहुत अच्छा था, मतलब के मॉर्निंग का टाइम था तो मतलब कि इतनी थकावट भी नहीं फील हुई, तो हम बहुत अच्छी तरह दौड़ के हम पहले नंबर पर आ गए। सो आज दी मैराथन दे विच तुसी भाग लिया? हाँ जी। की नाम है तुहाडा? गुरतेज सिंह जी। किस तरह का लग्या?
ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਮੈਡਲਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ? ਆਹੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੋਲਡ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੌੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਕੀ 'ਚ? ਮੈਂ ਜੀ ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਖੇਡਦਾ, ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀਡਮ ਰੇਸ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਫਿੱਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਰਨ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਹੌਲ ਆ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਥ ਆਫਿਸਰ, ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀਡਮ ਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੇਟਸ 'ਤੇ 13 ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਂਸਿੰਗ ਪਲੇਅਰ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਜਾਗੋ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਤੀ ਸੂਪ ਮੋੜਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦੌੜ ਕੀਤੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਕੇ ਸਾਥ ਚੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।